उत्तराखंड में इस साल की हज यात्रा अपने पुराने स्वरूप में लौटती नजर आ रही है। इसमें यात्रियों की संख्या लगभग 20 लाख पहुंच सकती है। सऊदी अरब के हज और उमर मंत्री डॉक्टर तौफिक बिन अरबिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी और ये भी बताया कि रेलवे सेवा का विस्तार हो गया है। मक्का से मदीना जाने वालों के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। हज इस्लाम के सबसे अहम अरकान मक्का मदीना का दीदार यानी हज है। अकीदतमंदी की हज की ख्वाहिश पूरी होने वाली है, वह मुकद्दम सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं। परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, करीबी अपना सलाम भी मदीने वालों को भेजने के लिए गुजारिश करते नज़र आ रहे हैं। पेरान कलियर से आज गुलशद सद्दीकी और उनकी आहेलिया फरीद नसीब, यूसुफ त्यागी, नईम त्यागी, सायरा बानू आदि को पेरान कलियर से जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नज़र हर खबर पर।